हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, कैसे हो आप सब। अभी जो टाइम हो रहा है वो 1 बजे का है, और मतलब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। एक्चुअली ख़त्म क्या हो गए हैं, बस ऐसे ही, बस आ गई थी बाल को। मैंने आज शैम्पू किया था बालों में, तो अभी तक मैंने झाड़ा नहीं था बाल को, ऐसे ही मतलब लपेट के ही रखा था। मैंने कहा चलो अभी सुखा लेते हैं, और ब्लोअर के आगे फटाफट से तुरंत सूख गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। नहीं तो फिर जो है ना, ठंडी में मतलब जल्दी सूखता नहीं और ठंडी लगती है। तो मतलब बर्तन मैंने धुल लिया है, बस थोड़ा सा किचन समेटूंगी, उसके बाद कपड़े धुल रहे हैं। मशीन लगाई है मैंने, और ऊपर गेहूं भी धुल के रखा है। अभी गेहूं भी नहीं फैलाया है, टाइम ही नहीं मिला। इस समय पता नहीं कैसे 12-1 बज जाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और एक्चुअली ये भी है ना कि स्कूल वगैरह है नहीं, मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन इस समय 5 बजे उठने का मन नहीं करता है, तो इसलिए आराम से 6:30 तक उठती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा तो काम लेट रहता ही है, और वैसे भी ठंडी में लेट हो ही जाता है। तो फिर चलिए फटाफट से मैं अपने सारे काम कर लूँ, उसके बाद चलूँ छत पर। छत पर मुझे कपड़े भी फैलाने हैं, एक एक राउंड होता जाएगा, कपड़े फैलाने हैं और गेहूँ को फैलाना है। तो चलिए फटाफट से अपने काम कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से किचन साफ़ कर लेते हैं। और अभी शरद ने खाना भी नहीं खाया है, और गुनी ने भी नहीं खाया है, मतलब तो शरद आ चुके हैं खाना लेने के लिए। तो पहले मैं किचन क्लीन कर दूँ, उसके बाद शरद को खाना दे दूँगी। और अम्मा ने खा लिया है और मैंने भी खा लिया है, गुनी अभी नहीं खाई है, गुनी गई है बड़े पापा के पास। तो यहाँ जो बर्तन मैंने धुले थे ना, उसे सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब ना सेट करो तो ऐसे पड़े रह जाते हैं। सो गाइस, मेरे मतलब इधर के सारे काम हो गए हैं, अब चल रहे हैं उधर कपड़े की तरफ और ऊपर गेहूँ की तरफ, बहुत सारा काम है। और खाना वाना सबने खा लिया है, दाल चावल साग रोटी। तो चलिए फटाफट से अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर कुछ कपड़े एक राउंड के ड्रायर में सूख चुके हैं, पहले ही मैंने उसे हटा दिया था। ये सेकंड राउंड का बाल्टी में है, तो जो पहले राउंड का है ना, इसे मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो उसे हाथ में ले लूँगी। और चलिए चलते हैं फिर इसे लेकर के छत पर। तो ये देखिए, यहाँ पर गेहूं भी मैंने धुला हुआ है, सुबह मॉर्निंग में एकदम धुल दिया था। तो बस इसको फैलाना है, गेहूं फैलाना है, कपड़े फैलाने हैं। तो पहले जो हाथ पे लिए थे उसे फैला देती हूँ, वही फैला लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए मेरा बाल कट गया, और ये देखिए मेरी जीन्स, मेरे देव भाई की न्यू जीन्स। सो गाइस, गेहूँ मैंने फैला लिया है, और ये देखो शरद भी खाना खा चुके हैं, कह रहा है काहे दिखा रही हो। और आज दोनों का बाल कट हुआ है, गुनी का भी कटिंग की गई है और शरद के भी बालों की कटिंग की गई है। गुनी का तो ज़्यादा नहीं, उनके पापा का बस चलता तो एकदम छोटे छोटे कराते, लेकिन छोटे पापा उनके कहे नहीं, नॉर्मल सा ही होगा। कि नहीं तो गुनी बहुत खुश नहीं कहीं कि छोटे पापा ने मेरा बाल जो है छोटा होने से बचा लिया। हम कहे अच्छा। और आज एक नई नई जीन्स भी पा गई है अपने देव भाई की, एक्चुअली देव के लिए आई थी जीन्स, तो उसके छोटी हो गई थी, तो वो गुनी को मिल गई पहनने के लिए, तो बहुत खुश हैं। तो अब हम चल रहे हैं नीचे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मतलब वैसे वो तो स्वेटर निकालने धूप है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी आदत नहीं, मुझे मतलब नीचे ही रिलैक्स मिलता है, नीचे कमरे में ही, मतलब अगर रिलैक्स करना है तो फिर नीचे ही। वैसे तो आते जाते छत पे रहते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो धूप बहुत ज़्यादा है, चलिए चलते हैं नीचे। और जिस दिन बालों में शैम्पू करो उस दिन बाल अजीब रफली दिखते हैं, कितने मतलब अजीब से हुए रहते हैं। और अभी एक राउंड के कपड़े और बचे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है, अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बच चुके हैं 1:30 में। और अब जा रही हूँ गुनी को खाना देने, अभी गुनी ने नहीं खाया है खाना, और बड़े पापा आए हैं ना उसके, तो इस वजह से भी वहीं पर थी। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर खाएगी, थोड़ा सा बड़े पापा के साथ खाएगी, बोल रही थी कि आधा अभी खाना है आधा बड़े पापा के साथ खाना है। तो ये देखो बिस्तर तो ठीक कर दो कम से कम, यार हमको जाना है, आप चिंता तौलिया हमको दो, नहा नहा के ये लोग तौलिया जो है यहाँ पर रख देते हैं। बताओ मतलब पता नहीं सबके बच्चे ऐसे होते, किसके किसके बच्चे ऐसे हैं बताइएगा प्लीज़ ज़रूर। कि मतलब एक तरफ से हम काम को समेटते चलते हैं, ये लोग फैलाते चलते हैं। देखो चद्दर उद्दर की क्या हाल की है, टॉवेल डाल दूँ पहले, ब्लाउज भी सिलना है, अस्तर को धुल के मतलब फैलाया है, सूख गया है ये।
अब कुछ नहीं करूँगी, अब चल रही हूँ थोड़ी देर बैठने। तो पहले यहाँ पर बेड को थोड़ा सेट कर दूँ, क्योंकि ऐसे मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि अस्त व्यस्त ऐसे पड़ा रहे और इस पर फिर आराम करो और या मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो पहले बेड ठीक कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आपको मिलती हूँ डायरेक्ट शाम को। तो गाइस यहाँ पर बन रही है चाय और घुघरी। तो वैसे तो गुनी के पापा नहीं आए हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम लोग बना के खा लेना, मेरे लिए रख देना, कोई नहीं अपने ही टाइम पाता हूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मूली का अचार मैंने दोबारा से बनाया था, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा बनाया है तो उसे मैं मतलब डिब्बे में रख दे रही हूँ, थोड़ा सा अलग छोटे डिब्बे में भी रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पानी वानी के हाथ से छू लेते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। इधर तब तक मेरी घुघरी भी बन गई है, तो गुनी ले गई लड्डू गोपाल जी के पास। तो बस सब यहाँ पर मैंने सारे बाकी सबका निकाल दिया है, अपना भी निकाल लिया और अम्मा का और गुनी के पापा का रख दिया है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो मंदिर में दिया बाती मेरी हो गई है, ये देखिए। तो बस अब मतलब एकदम अंधेरा हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि ये शाम है, ये देखो एकदम रात हो गई है। तो अब जो है मेरी जो अगली रूटीन है वो है खाना पीना की तैयारी करनी है। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, थोड़ी देर मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, टीवी चल रही है और बच्चे गए हैं बड़े पापा के पास और क्या है, बस कुछ नहीं है, सब खाली खाली सा है। हाँ कपड़े मैंने जितने भी धोए थे सारे सूख गए, सिर्फ एक राउंड का कपड़ा बचा रह गया है, धुला है बस, उसे ड्रायर में सुखा कर यहीं आंगन में ही डाल दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मैंने 2-3 राउंड कपड़े धुले, उसके बाद फिर मन ही नहीं किया कि उसको करूँ। तो अभी उसे करूँगी, उसके बाद खाना पीना की तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर वीडियो का एंड कर दूँगी बस। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और ये बना रही हूँ मैं आलू, बॉयल्ड आलू और मटर और गाजर की सब्जी सूखी, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए तेल में मैंने मेथी का तड़का लगाया, तेज पत्ता और ग्रेट करके अदरक डाली है, साथ ही साथ हींग भी डाल दी है। अदरक को ग्रेट करके डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है, और इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया प्याज, लहसुन, हरी धनिया और 2 हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, और इसके बाद थोड़े से सूखे मसाले, धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को डालकर मिक्स कर देंगे, और इसमें साथ ही साथ मैं डाल दूंगी टमाटर और मटर और गाजर। तो ये सारी चीज़ें मसाला भूनती जाएगी और ये सारी चीज़ें ढककर पकते भी जाएंगे। और पानी की क्वांटिटी मैंने जो है उसमें मसाले में मतलब जो पेस्ट बनाया उसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि साथ साथ मटर को भी पकाना है हमें, और नहीं डालेंगे तो मसाला जल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं भूनना है क्योंकि थोड़ा सा गीला गीला सा रहेगा ना तो सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने आलू, बॉयल्ड आलू है, बहुत छोटी छोटी नहीं की है, और ऊपर से डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला, और इसे मिक्स करके एक बार और 2 मिनट के लिए ढक दूंगी जिससे गरम मसाले का फ्लेवर सब अच्छे से एग्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट बाद मैंने इसे खोल दिया है, सब्जी मेरी बनकर रेडी है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हरी धनिया का इतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है ना कि आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में, बाय बाय।